हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम, आप देख रहे हैं टेगक्स। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर किसी भी ऐप से ऐड हटाने हैं तो आप कैसे हटा सकते हैं। जैसे आपने पता होगा एम एक्स प्लेयर वगैरह ओपन करते हैं, शेयर इट ओपन करते हैं, अगर हमारा डाटा ऑन होता है तो उन पर बहुत सारे ऐड आते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा वो हम कैसे हटा सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको 50 रुपये का पेटीएम कैश है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, जैसे ही आप उस ऐप को उस लिंक से डाउनलोड करेंगे आपको 50 रुपये का पेटीएम कैश इंस्टेंट मिल जाएगा। अब चलिए चलते हैं वीडियो में। देखिए, सबसे पहले मुझे एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, डाटा है, इसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वैसे नहीं तो आप प्ले स्टोर से भी कर सकते हैं, सिंपली डाटा ही लिखना है और यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर ये डाटा ही आ जाएगा। तो हम सिंपली अपने डाटा आई में जाते हैं। देखिए, नहीं, डाटा आई से पहले मैं आपको किसी एमएक्स जैसे एमएक्स प्लेयर में दिखा देता हूँ। देखिए, अभी मेरा डाटा ऑन है तो देखिए यहाँ पे ये क्या नाम है ऐड वगैरह आ रहे हैं। अब मैं क्या नाम है वीडियो में जाऊँगा तो देखिए यहाँ पे वीडियो भी आएंगे, मतलब जाहिर सी बात है अगर हमारे इसमें नेट चलेगा तो ऐड भी आएंगे और डावो भी आएगा। अब मैं क्या करता हूँ, देखिए मैं बैक करता हूँ, बैक करने के बाद अब सिंपली क्या करते हैं, ठीक है, हम डाटा आई के ऑप्शन में जाते हैं। डाटा आई में जैसे मैं यहाँ पे गया, डाटा आई में इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे सबसे पहला ऑप्शन होगा डाटा सेविंग मोड, ठीक है, मुझे इस पर अनेबल करना पड़ेगा। फिर मैं बाहर क्लिक करके कंट्रोल पे क्लिक करता हूँ, कंट्रोल में देखिए क्या आएगा, इसमें क्या आता है, इसमें ये आएगा कि जिस पर्टिकुलर ऐप पे हमें नेट का यूज़ करना है वो मुझे ऑन रखने और जिन पे नहीं रखना वो हमें ऑफ रखने। फॉर एग्जांपल जैसे मैं फेसबुक है, फेसबुक में जाहिर सी बात है नेट चलता है, अगर आप मतलब फेसबुक चलाने वाले पता ही है फेसबुक नेट से ही चलता है, ठीक है। अगर आप फेसबुक को नेट नहीं देंगे तो वो जाहिर सी मानो आपके मोबाइल का डाटा होना है पर फेसबुक से आपने ब्लॉक कर रखा है, भाई जो फेसबुक का ये ऐप है ये डाटा यूज़ ना कर पाए तो जाहिर सी बात है वो नेट चलेगा, मतलब फेसबुक की आईडी आपकी लॉग इन या लॉग आउट नहीं होगी। तो ऐसे हम एमएक्स प्लेयर पे करके देखते हैं, ठीक है। एमएक्स प्लेयर पे अभी देखो क्या होगा, अभी ब्लॉक है, मतलब अभी भी सिंपली ये ब्लॉक है। जाहिर सी बात है जिस ऐप को आपको यूज़ करना है, मानो पेटीएम है तो नेट से चलेगा तो आपको उसे भी ऑन करना पड़ेगा, या फिर जो से भी ऐप है वो जैसे फ्री फायर अगर आप ऑनलाइन गेम खेलते हैं तो ये भी जाहिर सी बात है नेट से चलता है तो इसे भी आपको ऑन करना पड़ेगा इसमें अगर नेट चलाना है, ठीक है। अभी देखिए इन सारे जो ये डाटा है इनमें जो सारे ऐप इनमें डाटा यूज नहीं होगा। देखिए एमएक्स प्लेयर का इस समय डाटा बंद है, ठीक है। अब मैं देखो क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ, एमएक्स प्लेयर को पहले मैं रिसेंट से निकाल देता हूँ। अब ना तो इस पर कोई ऐड आएगा और ना ही कोई वीडियो प्ले होंगी, ठीक है, जो ऑनलाइन वाली दिखाता हूँ, जो ऑनलाइन वाली वीडियो दिखाई थी। देखिए मैंने यहाँ पे नेट खोला, ये नेट खोलने के बाद देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे जैसे वीडियो वगैरह पे आया, ना तो वो वीडियो आएंगे ना कोई गाना वगैरह जैसे आता है ना वो प्रॉब्लम, मतलब यही आएगा, लोडिंग ही लेता रहेगा क्योंकि अब इस पर क्या होगा, इस पर कोई नेट ही नहीं चल रहा, ये एमएक्स प्लेयर हमारा डाटा यूज़ नहीं कर पा रहा। तो इससे ये होगा, मतलब डाटा यूज़ नहीं कर पा रहा तो ऐड कहाँ से आएगा, जाहिर सी बात है ऐड आते कैसे, जब हमारे फ़ोन का डाटा चल रहा होता है तो उससे हमारे फ़ोन पे ऐड आते हैं। तो जब हमने एम एक्स प्ले का डाटा ही ऑफ कर दिया, वैसे हमारा डाटा चालू है। देखो वैसे अगर मैं प्ले स्टोर पे कुछ भी सर्च करूँगा, जैसे मानो कोई भी अगर मैं ये भी मानो डाउनलोड भी करूँगा तो ये भी प्यार से हो जाएगा, ठीक है, मतलब कुछ भी देखे डाउनलोडिंग भी होने लग गए यहाँ पर मैं इसे काट देता हूँ यहाँ पे, मतलब कुछ भी नेट तो हमारा चलेगा लेकिन एमएक्स प्लेयर से हमने अपने डाटा ऑफ कर दिया है तो अब उस पर ना तो कोई ऐड आएगा ना कुछ भी आएगा। अगर आपको ऐसे मानो जैसे शेयर इट पे बहुत सारे ऐड आते हैं या किसी भी जैसे कैम स्कैनर हो गया अगर आप यूज़ करते हैं तो, मतलब आप इसमें क्या करना, जिन पे आप नेट यूज़ करते हैं उन्हें तो ऑन करते हैं लेकिन जो ऑफलाइन वाले ऐप है पर उनमें मोबाइल डाटा के बाद ऐड आते हैं, जैसे डॉक्टर ड्राइव हो गया गेम है ये, इसमें क्या होता है जब नेट चलता है तो ऐड आने लग जाते हैं, या फिर कोई गैलरी हो गई आपके फ़ोन की, या फिर कोई जैसे कुछ ऐप पे तो मतलब कुछ पे तो हमें नेट चलाना ही पड़ेगा, इंस्टाग्राम पे जाहिर सी बात है नेट का यूज़ होगा ही होगा, पेटीएम पे होगा जैसे, लेकिन कुछ होते हैं जैसे सेफ गैलरी में क्या होता है बिना नेट के मतलब जैसे नेट चलता है तो उस पर ऐड आने लग जाते हैं, पर ये ऑफलाइन है तो आप इसे भी ऑफ रख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मेरे हिसाब से आपको आज की इस वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया होगा, कुछ भी समझना है मुझे नीचे कमेंट में बता देना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो भी मुझे नीचे कमेंट में बता देना। दोस्तों तब तक के लिए गुड बाय, अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।